देखिएगा फ्रेंड्स, ये है हमारा मावा और मावे में मुझको मिलाना है मैदा और सोडा। सोडा ये मंगाया है मैंने और मैदा ये रहा है 100 ग्राम। तो ये 1 किलो के समथिंग है हमारा जो है मावा। तो चलो जी अब इसमें डाल देते हैं मैदा और सोडा। और इधर जो है हमारा जो है गुलाब जामुन बनाने के चाशनी जो है बखर हमारा बन के तैयार होगा। तब तक ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा। तो तब तक हम जो है गुलाब जामुन बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। इसमें मिला देते हैं सोडा और मैदा। इसमें मैंने सोडा और मैदा मिला दिया और अब इसको और सेट करना है ताकि जो हम ऐसे करेंगे और एक भी गुलाब जामुन फटे ना। तो इसीलिए इसमें अभी और मुर्की लगानी है जैसे अट्टे में लगाते हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारा मैदा फेंगा तो ये सफाई बकर है बाद में जो भी फटाफट से जो काम है कर लेते हैं। फिर गैस पर जो है रिफाइंड रख देंगे गर्म होने के लिए। और गोरी को दे के आई हूँ ना पापा को क्योंकि वो ना यहाँ पर रो रही थी। तो देखते हैं करके कैसा सेट हुआ। बिल्कुल भी जो है हमारा फटा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट बन गया। और अब ऐसे ही सारे बना कर रख लेंगे। उसके बाद में जो है रिफाइंड को गर्म होने के लिए रखूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने जो है गुलाब जामुन बना लिए थे और 2-3 तल के भी देखे तो अच्छे सीखे हैं। तो ये देखो झरनी में निकाल लिए हैं ताकि हमारा जो रिफाइंड है निचड़ जाएगा, ये ठंडे से हो जाएंगे ना। उसके बाद में मैं इनको बखर में डालूँगी। कुछ मैंने प्लेट में निकाल लिया है और फिर दोबारा से डालने शुरू कर दिए हैं। 4-5 मैंने बना लिए थे और अब इनको फिर रिफाइंड में डाल देते हैं। और आज मेरी जो है व्लॉगिंग कर रही है पीहू। तो पीहू ना अच्छे से कैमरा तो पकड़ लेती है लेकिन बच्चे हैं हिल डुलते रहते हैं। तो इसीलिए आज ना जो फ़ोन लगाने का जो मेरा स्टैंड था ना वो ढीला हो गया था तो उसमें फ़ोन अच्छे से नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने पीयू को पकड़ा दिया है। तो चलो जी फटाफट से बना लेते हैं अपने गुलाब जामुन। और इधर रखा हुआ है हमारा पशुओं का चारा खल चोकर क्योंकि जो है हमारे रूम में ना फिर भीड़ हो जाती है। हम उस पर जो है खाट वगैरह डाल कर दोपहर में लेट जाते हैं। दिन रात के टाइम तो हम बाहर खुले में लेटते हैं लेकिन दिन में ना ऊपर लेटने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, काफ़ी गर्मी रहती है। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो किचन में ही रख लेते हैं। एक साइड में लगा दिया है दीवार की साइड। तो पशुओं का चारा भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो नीचे तो इतनी जगह नहीं है, 3-3 सदस्य रहते हैं और माँ पापा भी रहते हैं तो इस वजह से नीचे इतना एडजस्ट नहीं हो पाता है। बराबर का रूम है, उसमें खाली जगह नहीं है। पहली बार बना रहे क्योंकि हर बार ना इसके डैडी साथ में हो जब बनाऊ मैं। देखो तो अब के मैं ये मैं खाने लग रही रसगुल्ला तो अब के मैंने सोचा कि मैं ही बना लूं। चुप हो जाओ आप, अकेले ही बना का देखो बाजी हेली ऐसा हो जाए ना कि अकेले भी बनाने पड़ जाए। तो जी इसलिए मैंने गुलाब जामुन आज अकेले ही बनाने शुरू कर दिए और देखते हैं कैसे बनते हैं। गांठे बना दिया रसगुल्ला मेरा आप गुलाब जामुन कह रहे थे ना और आपकी फरमाइश पूरी। मम्मी से कौन से डिब्बे में रखोगे? दूसरे डब्बे में रख देंगे, अभी तो पतीली में ही डाल देंगे। पतीली में? हाँ इसमें डाल लेना, बंद कर दो बस। लाइट भी आ रही है और पंचा झाड़ू हो गया है। और
और अब हमें गाय निलानी, गन्ना साफ करना, बस ये काम रहेगा हमारा, नाना धोना है ना भाई। हाँ। और बाल्टी में रखी है ना कपड़े, तो फिर हमें नहीं धोना क्या, तो घोड़ा करी जी। इधर हमारे जो है गुलाब जामुन बनके हो चुके हैं तैयार, और आप लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। तो मुझे डर था कि कहीं इसमें गांठे ना पड़ जाए, लेकिन गांठे वगैरह कुछ नहीं पड़े, बिल्कुल ठीक बने हैं। तो देखते हैं वंदना के डैडी को पसंद आए हैं या नहीं, अभी तो ये खेत में से भी नहीं आए। और खाना भी हमारा बन चुका है और किचन कर दी है मैंने बिल्कुल साफ, देखो। और बाहर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा तेज धूप, और कपड़े भी धुल चुके हैं हमारे, ये देखो कपड़े भी मैंने धुल दिए। फाइनली सारा काम निपट चुका है और अब रह गया है खाना खाना बाकी। तो खाना भी बन चुका है और खाने में बनाया है आज दाल चावल, और वंदना बैठ चुकी है खीरे खाने के लिए, और गोरी भी। तो दोनों बहनों को दे दिया है मैंने खीरा कट करके, देखो मेरा छोटा बच्चा। गोरी क्या खा रहे हैं आप? तो भाई ये देखो गोरी का खीरा गिर गया था, पीयू ने उठा के दे दिया है, और ये हमारे खीरे कट हो चुके हैं। और अब मैं लगा देती हूँ थाली खाने की, और खाना ला के रूम में रख दिया है क्योंकि वहाँ पे बार बार धूप में जाना पड़ता है। ये देखो हमारी दाल बनती चुकी है तैयार, और पीयू को लगी है जोरों की भूख। और ये हमने जो है हटी कपड़े निकाल कर रख दिया और प्रेस करके रख दिया, जो जो हमें लेकर जाने हैं वंदना के मामा के यहाँ। और देखो हमारे पास तो चटनी भी है। चलो जी, तो चलो अब चलते हैं किचन में थाली लेने के लिए और मट्ठा, क्योंकि फिर ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो जाएगी और बार बार जाने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और गोरी रोने लगती है, और धूप में जा कर ना आँख भी नहीं खुलती। तो 12:30 बज चुके हैं, खाने का टाइम हो गया है। तो पीयू देखो पढ़ने लगी, और गोरी खींच रही है इसकी बुक, इसका खीरा दे दो।